गांव को बचाने वाला वीर है वो। उसके नाम से हर साल ये त्योहार मनाया जाता है। वो आसपास के सभी गांव में सबसे बड़ा शूरवीर है। अरे शंकर, किसको बुलाया? तुम्हें नहीं रे पागल बेवड़ा। बेवड़ा बोलते हैं? फिर से पीऊंगा। इधरा क्वार्टर कितने का? 40 का। ये लो। ये क्या 20 रुपए दे रहे हो? ये कितना? 20। इधर कितना? 20। कुल कितना? 40। और क्वार्टर कितने का? 40 का। हिसाब बराबर। ओ पुजारी इधर आ रहा। क्या है? उसके हाथ में तलवार है क्या? आपको से दिखाई नहीं दे रहा, आंखों का इलाज करा। अरे तलवार तो अमित कुमार के हाथ में, वो लेके आएगा। पगले, त्रिशूल के बिना शिव की मूरत, चक्र के बिना विष्णु की मूरत, और अपने शूरवीर के हाथ में तलवार शोभा देती है, समझे? ठीक बोला। लगता है तुम्हारी आंखों के साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब है। अरे उसके हाथ में तलवार कहाँ है? वो तो अमित कुमार के हाथ में है। ये देखो अखाड़ा तैयार हो गया है, अब यहाँ पर लड़ाई होगी। अरे बेटी बिनी सुनो, बिनी महालक्ष्मी। अरे महालक्ष्मी, अरे महालक्ष्मी सुनो। अरे भाई तुम्हारा भाई कहाँ पर है? यहाँ पर मुकाबला शुरू हो गया है। अपने गांव में तलवारों से विजय करने वाला तुम्हारा भाई है। भाई को वहाँ तलवार रखने के लिए कब कैसे आना है उसे पता है। शरीर में जान नहीं, सीने में जिगर होना जरूरी है। ये तुम नहीं समझोगे, और वो उसके पास बहुत है। तो ठीक है, सच में उसने तलवार बनाई क्या? क्या कहा, तलवार बनाई क्या? अरे लकड़ी से बनी हुई तलवार को भी मेरा भाई चकाचक कर देता है। ऐसे में अमित कुमार की तलवार क्या साधारण पावर को पावरफुल बना पाएगी? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसी तलवार नहीं मिलेगी, समझे? पता नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे नरसिम्हा, नरसिम्हा, अरे नरसिम्हा, अरे नरसिम्हा, कहाँ है तुम्हारा हिम्मत वाला दोस्त? क्यों, उसका शांति से जीना तुम्हें पसंद नहीं है? अरे वो आएगा, क्यों फिकर कर रहे हो? अरे वो नहीं आएगा तो बहुत टूट पड़ेगा। अरे टूट तो पड़ेगा, लेकिन उसका आने का टाइम हो गया है, अब वो कब आएगा? बिजली के कड़कने के लिए, बारिश के आने के लिए, अमित के आने के लिए सेकेंड 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 काफी है। लेकिन जल्दबाजी में कई तलवार पे धार लगाना भूल गया तो? मेरा भाई धधकती हुई आग है, वो तलवार लेकर आ रहा होगा। Yeah.
धरती पे मैं आया हूँ, राक्षस राज को करने खत्म, पापियों को जीने नहीं दूंगा, खाई है मैंने ये कहे, जान ले जो वो दुश्मन, अरे उसको पड़ेगी ये धरती कम, बच न सकेगा मुझसे वो, हाँ कर ले चाहे लाख जतन, हर मेरे इरादों में सोए है मेरी निगाहों में ज्वाला, तूफानों से भी टकराने का है मेरी बाजुओं में दम खम। टीका पहनाने लगाया, सुख और दुख सभी का मैंने अपनाया है, कहीं था मैं सबका प्यार सबसे करता हूँ, जुल्मों के खिलाफ मैं आवाज उठाता हूँ, अन्याय सहन नहीं कर सकता मैं, हो जाए जाए कुछ भी, हर हाल में लड़ता रहूंगा मैं तो जन सच्चाई की। धरती पे मैं आया हूँ, राक्षस राज को करने खत्म, पापियों को जीने नहीं दूंगा, खाई है मैंने ये कसम, सर पे मैंने बांधी कफन, दुश्मन को न छोड़ूंगा, छुप जाए पाताल में फिर भी ढूंढ निकालूंगा, सुन ले पापी हाँ सुन ले, तबाही अपनी जो चाहे, रोके आके मेरी राहें, चटाऊंगा मैं उसे मिट्टी, खाऊंगा मैं वो शक्ति के बहुत थर राय, हम उससे टकरा के हर सुरमा खाक में मिल जाए। धरती पे मैं आया हूँ, राक्षस राज को करने खत्म, पापी को जीने नहीं दूंगा, खाई है मैंने ये कसम। हम लोगों को इसी घर में जाना है ना, कोई आएगा तो इशारा कर देना, मैं अंदर जाकर काम करके आता हूँ। ओके अमित, क्या संभल के, संभल के जाओ आराम से। बेवकूफ, तो इसे नजर रखने के लिए कहा है, लगता है तू ही पकड़वा देगा। अरे चल यार जल्दी यहां से निकल, अरे कोई सी ने देखा नहीं, चल चल हाँ जल्दी चल। ला के दे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बहुत मेहनत किया है, बहुत 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 मेहनत, कहाँ कहाँ बताओ बताओ बताओ, मेहनत किया, क्या कर रहे हो? दिखा दो।
से ही चोटी लगाकर वो बड़ी बड़ी बातें किया कर तुम्हारा भी बहुत अच्छी है। कहाँ से लेके आई हो? मेरे पिताजी शहर से लेके आए। पिता बाजार आओगी क्या? क्यों चोटी आगे करके खड़ी हो? और चोटी बनाए तो चोटी ना अभी तक नहीं कमर से भी नीचे तक आनी चाहिए, समझे क्या? आजू बाजू की नजर, इधर उधर की नजर, वाले की नजर और इन सब की नजर तुम्हें ना लगे, समझ गए ना? ये सब कुछ मुझे ही मसाज मुझे ही करनी पड़ती है। आज रात में आराम से सो पाऊंगी भैया। आज मुझे नींद नहीं आएगी। क्या बिना छोटी की सीता की कल्पना नहीं कर सकता। मेरी सीता एक तरफा प्यार जैसे मैं शाहरुख हूँ। ओ मेरी प्यारी सीता। कैसा जमाना आ गया है पता नहीं, ऐसी छोटी चुरा कर ले गया। पागल होगा कोई वो चोर। अब क्या करे बताइए, चोर तो साड़ी जेवर पैसा सामान चुराते हैं, लेकिन ये तो छोटी ही चुरा कर ले गया। चोर लोग तो पैसे चोरी करते हैं, ये क्या इसके बाल चोरी करके चले गए? पता नहीं कैसा जमाना आ गया भाई। आओ ना भैया, अब रो मत, बस हो गया, रोने से छोटी वापस तो नहीं आ जाएगी ना? अरे छोटी चुरा कर ले गया ना, उस बदमाश के हाथ टूट जाए, वो टकला हो जाए, उसके सारे बाल गिर जाए। ए तो चुप रहा पागल, औरत की छोटी कटने के बाद क्या दर्द होता है ये तू क्या जाने? इसके बाल कटने वाले के बच्चे भी गंजे हो जाए, उनका सारा खानदान गंजा हो जाए। कुछ नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं किया। इतने लंबे बाल रखती है? ए बेटी तूने छोटे बाल रखने चाहिए थे, जब वो तेरे बाल काट रहा था तब तुझे मालूम नहीं पड़ा पागल कहीं की? अगर देखती तो क्या चुप रहती? मामा मेरा शैम्पू कहाँ रखी हो? इतनी बड़ी गलती कैसे की तुमने? अभी जी क्या दिखा रही है तू, मेरी चोटी चलेगी तो मैं परेशान हूँ, अब तू ही सारे गांव को दिखाते फिर। माफ कर दे प्लीज भैया। रुको, कहाँ जा रहे हो? क्वार्टर टाइम, बाटली खत्म। सुन रही? हाँ इधर आ। ये क्या है, रोज तो अपने भाई का शर्ट पहन के घूमती है। लड़कियाँ लहंगे चोली में ही अच्छी लगती हैं, तुझे मालूम है कल तेरी शादी होगी तो तू साड़ी पहनेगी या नहीं पहनेगी? तब भी तेरे भाई का पैंट शर्ट पहन के बैठेगी? अपनी शादी में आपने भी तो चुनरी नहीं डाली थी ना। कैसी बात करती है, तुझे क्या बताऊँ बेटी मैं, जिस वक्त मेरी शादी हुई थी उस वक्त मेरी उम्र 6 साल की थी। ठीक है लाओ मैं करती हूँ, लाओ। अमित, अमित मुझे बुलाया, तेरा नाम अमित है? हाँ वही है। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से सामने आ गया। क्या हुआ? अरे यार पता नहीं ये खांसी कब जाएगी। ये पियो जाएगा। क्या ये पियेंगे तो जाएगी? पागल है बुद्धू है तू? क्यों नहीं जाएगा, इसके पीने से मेरी बीवी गई, मेरे बच्चे गए, मेरी नौकरी गई, मेरा सब कुछ गया। दूर दूर चल, दूर दूर। अमित, अमित, अरे क्या है, कहाँ है ये? हाँ, ओ तुम यहाँ हो? तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ। क्या इतनी जल्दी है खुशखबरी बताने की? है कुछ नहीं, तुम्हारी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता लाया हूँ। लड़का चाकुओं में खेलता है, लड़के के दिमाग की दर्द देनी होगी। पहले ये बताओ लड़का कौन से गांव का है? अरे तुमको गांव वाँव से क्या लेना देना है? तुम बिना मार खाए कुछ बताते नहीं हो क्या? क्यों उसको भी मारोगे क्या? कोई शक है क्या? ओह इसका मतलब तुम्हें नाम बताना होगा, करीम नगर के बाजू में नामपल्ली। नामपल्ली? हाँ। गाँव? हाँ। पक्का? हाँ। अरे कहाँ ले जा रहे हो, अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे यार, कहाँ ले जा रहे हो? अरे बताओ सही, अरे अरे अमित अमित कहाँ ले जा रहे हो मुझे? सब बोलेगा ये क्या है? चल मैं अभी बताता हूँ। अरे अरे ये क्या तमाशा लगा रहा है, देखो कैसा रिश्ता लाए। क्या तेरी बहन मैसूर की महारानी है जो उसे मैसूर के महाराजा का रिश्ता आएगा? जब देखो लड़का कैसा है पूछते हो, कुमारा है, अच्छा है, पैसे वाला है। नानी माँ तुम चुप रहो, देखो सुब्रमण्यम
एक मर्द के हाथ में छाले तब पड़ते हैं जब वो मेहनत करता है, वहीं अगर एक औरत के हाथ में छाले हो तो समझो कि वो बहुत मेहनती है। यहाँ आओ लक्ष्मी, यहाँ आओ। देखो देखो इसका हाथ, ठीक से देखो। आटा पीसकर पानी लाकर मिर्ची कूटकर इसके हाथ कैसे हो गए हैं? तुमने किसी लड़की के हाथ ऐसे देखे? इसे दूसरे गांव में कैसे जाने दूंगा? मैंने तुमसे क्या कहा था, एक टीवी मिक्सी और फ्रिज वाला रिश्ता लेकर आना, कोई शॉपिंग करने के लिए जगह हो, घूमने के लिए बाजार हो, सिनेमा हॉल। क्या सिनेमा हॉल वाला चाहिए? हम सभी उसमें सिनेमा देखने जाएंगे, मिलकर धूम मचा कर देखेंगे। मैं समझ गया। जो भी लड़का पैसे वाला होता है और कितना पागल बुद्धू होता है वो तुम्हें पता है क्या? वैसा एक है। क्या कहा, तुम्हारा दोस्त है क्या? नहीं भैया, बड़े बड़े रिश्ते ढूंढ ढूंढ कर थक गए लेकिन नहीं मिला। लड़कियां वैसे ही घर में बैठी है, इसने एक भी शादी नहीं करवाई। कहा गया सुब्रमण्यम? हाथ जोड़ते समय आंख बंद रखते हैं? खाना खाते समय मुंह बंद रखते हैं क्या? अरे यार तू तो इस गांव में जिस काम से आया वो काम पूरा करो भगवान। ए, नारियल भगवान को चढ़ाओ, लड़की को नहीं। सर सर लड़की जा रही है। हाँ चल चल। सुनिए क्या है? आपका एड्रेस क्या है? चप्पल से मारूंगी, मंदिर में भगवान के दर्शन करने आए हो या लड़की से एड्रेस पूछने? नहीं नहीं नहीं, देख लूंगी। सुनिए किसने बुलाया? आपको नहीं उनको बुलाया। किस लिए? एड्रेस पूछने के लिए। गांव के बाहर एक शमशान है, क्या वो वहां रहती है? नहीं, लड़की का एड्रेस पूछोगे तो वहीं जाना पड़ेगा। आप चलिए ना। अरे यार छोड़ो। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। नरसिम्हा, मैं इस गांव का शेर हूँ। गांव का शेर नहीं है, कुत्ता होता है। मैं इस गांव का चीता हूँ। चीते से मजाक, तेरी ये मजाल? अरे सर मेरा मतलब मैं शादी के सिलसिले में। शादी? अबे तू वहां से निकल। अरे कौन से गांव का है तू? नया गांव। निकाल चाकू। ऐसा नहीं होगा, तुम ही निकालो। लायन अंदर चली जा, तू ये नहीं देख पाएगी। अमित तेरे रेंज की जरूरत नहीं है, मेरा रेंज काफी है। एक चांस दो, बस एक चांस दो, दोनों को काट के डाल दूंगा। काट दे। बनारस, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पटना, इतने शहर रहते हुए नया गांव से तू आकर मेरी बहन से शादी करने को कहता है? अब कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे सब हैदराबाद से नया गांव, सुब्रमण्यम साहब ने शादी के लिए बुलाया। हैदराबाद, सुब्रमण्यम? अरे सुब्रमण्यम साहब बताइए ना। भैया आने से पहले मुझे इन्फॉर्म तो करते, अब मैं क्या बताऊँ। हाँ मैंने बुलाया। सॉरी सॉरी सॉरी, पहले बताना चाहिए था ना कि आप हैदराबाद से। आप हैदराबाद के बगल में रहते हो? अरे वो नहीं, वो हैदराबाद के बाजू में नामपल्ली गाँव। अरे वो नहीं वो नहीं, वो नहीं। मुझे हैदराबाद में ही रहना अच्छा लगता है। जी जी जी, हाँ जी, धन्यवाद। मेरी जी जी एक बात बताइए, आप मेरी बहन के साथ हैदराबाद में ही रहेंगे ना? अरे साहब जी, रामचंद्र जी सीता जी के बगैर रह सकते हैं क्या? चलो ठीक है,
रिश्ता मंजूर है तो शादी की तैयारी करो। गाड़ी हीरो होंडा खोजेली, जब से चढ़ल बा जवानी मुझे मुंडा खोजेली, जब से चढ़ल बा जवानी मुझे मुंडा खोजेली। घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली, अरे घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली, जब से चढ़ल बा जवानी मुझे मुंडा खोजेली, जब से चढ़ल बा जवानी मुझे। भाई साहब कहाँ हैं? वो दिल्ली गए हैं किसी काम से। देखा उनको शादी के टाइम पे ही काम आता है। ए छोटो कैसे हो? समय बीता जा रहा है, जल्दी से दुल्हन को ले आओ। आगे सब के चार जोड़ी कपड़े रख रहा हूँ, हफ्ते भर के लिए हो जाएगा। कपड़े के साथ साबुन भी रख लेना, महीने भर के लिए हो जाएगा। अरे अभी तक पैकिंग नहीं हुई, गाड़ी का टाइम हो गया है, जल्दी करो। अरे अरे बेटी तुम्हारा हुआ कि नहीं? वो तो लेट होती है। तुम भी ससुराल में भी क्या भाई की शर्ट पहनोगी? क्या हाँ कह रही है, ये उल्टे काम मत करना वहाँ, अरे हमारी बेइज्जती करवाएगी। अरे उनके पास कितने भी शर्ट हो लेकिन मेरे भैया जैसा नहीं होगा। अंदर आइए भैया। नए जोड़े को आरती के बिना अंदर नहीं जाना चाहिए, भैया के पास खड़ी रहो। तो हो गई, अब शगुन दो। दो ए भैया, अभी से कंजूस हो गए क्या? आपने अंगूठी क्यों दी? पहली पहली बार मेरी बहन हैदराबाद आई है और उसे जो खुशी मिली है उसके लिए अंगूठी तो क्या, मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ। वो मंदिर वहाँ पे आओ, दीप जलाएं। अरे ये सब क्या है सर? कुछ नहीं बस आटा है। हमें आटे की चक्की है। कहाँ है? देखो। अरे पानी भी आ रहा है, गैस भी है। यहाँ तो सब कुछ है। यहाँ पानी भी आ रहा है। सारे बटले यहाँ बाहर क्या झांक रहा है? बटले मेरा नाम पता नहीं है। छोटा है इसीलिए कहा। देख भाई सिटी में वाटर हीटर मोटर ये सब मामूली है, दिल पे मत ले यार। क्या बे बटाटे वड़े की शक्ल ऐसे क्यों देख रहा है? हाँ हाँ चल चल बाहर निकल, निकल बोला ना, चल बाहर चल। अमित ये मुझे बटला कहती है, बटला। जीजाजी जीजाजी सुनिए रुकिए। क्या बात है? अरे ये बताइए, आपने कहा था आपके भाई बहन नहीं है, फिर ये लड़की कौन है जो सबका दिमाग खा रही है? आपने इसको सिर पर क्यों चढ़ा रखा है? वो लड़की हाँ। हमारी पड़ोसन है। पड़ोस की होकर के इतनी अकल? तो मेरी बहन जैसी है। नाम क्या है? ऐश्वर्या। भैया भैया हाँ। अगर तुम मेरे भाई हो तो ये मेरे कौन लगेंगे? रिश्ते में जीजा है, शादी करोगी तो मर्द होगा, छोड़ दोगी तो बेचारा इंसान होगा। क्या कहा?
जीजा। क्या? हम लोगों का जीजा। तो तुम उनके जीजा बनोगे? देखूंगी। अमित, उसके पीछे देखा क्या? वही देख रहा हूँ। हमारी बहन की चोटी से भी लंबी चोटी है उसकी। काट देते हैं। ए, लंबी लंबी चोटी वाले। हाँ, ये तो क्या है? रात में तुम कहाँ सोगी? कहाँ सोऊंगी? अपने कमरे में। किसके साथ सोगी? हाँ? अकेली सोगी तो काम आराम से हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? गलती क्या है? तुम अकेली सो जाओगी तो अकेली सोगी तो आराम होगा। फिर वही बात कह रहे हो? ऐसी कौन सी गलत बात कहती मैंने? गलत नहीं कहा तुमने। ए छोटू, तुम हमारे दोनों के बीच में मत आओ। क्या बात कर रहे हैं? देखो ये लंबी चोटी वाले समझेंगे। क्या बात है बोलो ना। मैं बताती हूँ कि आखिर बात क्या है। अगर देखती तो क्या चुप रहती? अगर देखती तो क्या चुप रहती? अगर देखती तो क्या चुप रहती? ये हुआ था। ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अबे अमित, अबे तुझे और अमित इनको, तुम जिसके लिए परेशान हो रहे थे वो ये रही। पकड़ो। चलो अब ये तो हाथ में दे दी इसने। नकली चोटी। ये क्या? बीड़ी जलेले। सर, ये शर्ट कैसी लग रही है? पुराना है भाई। पुरानी है? हाँ। ऑटो आ गई क्या? ऑटो वाला नहीं आएगा। क्यों? उसके पास ऑटो नहीं है। तो ठीक है, जाओ तुम टैक्सी लेकर आ जाओ। वो भी नहीं आएगा। अब उसके पास टैक्सी नहीं है क्या? टायर में हवा नहीं है। रिसेप्शन के लिए देर हो रही है, तुम्हारी समझ में नहीं आता? जाओ जल्दी जाओ। सर 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 सर। अबे तेरी क्या हुआ भाई? अरे इतना मारूंगा कि फिर कभी होश नहीं आएगा। फिर मेरे सामने मत आना। आखिरी समय पर कहता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, टी शर्ट तक नहीं है इसके पास। पता नहीं कैसे कैसे पागलों के बीच में फंस गया हूं यार। क्या हुआ? उम्र में बड़े हो इसलिए अभी तक जिंदा बचे हो, नहीं तो मेरे बारे में पता नहीं है तुमको। अरे इंस्पेक्टर हो तो कौन सी बड़ी बात है? अरे यार वो नहीं मिल रहा तो क्यों टेंशन ले रहा है तू? सबको पता है ना रिसेप्शन के बाद हम नहीं रुकने वाले हैं यहाँ पर। अरे प्लीज यार मान जा, यार मान जा। साले अरे आप इनके जीजा जी हैं? मैं साई राम, मैं इनका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। हेलो, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? अरे मैं तैयार हूँ बाबा। वो विनी। विनी क्या हुआ उसे? कुछ नाराज है वो। नाराज है? तुमने तो कुछ नहीं कहा। अरे मैंने कुछ नहीं किया साले साहब, वो नाराज है। तुम यही रुकना। आप बहुत अच्छे। क्यों ऐसा फालतू मजाक करता है? कुछ नहीं वो। क्यों विनी उदास क्यों? जीजा ने कुछ कहा क्या? बताओ, डरने की कोई बात नहीं है। बताओ क्या हुआ? बताओ ना विनी। तुम चले जाओगे ना भैया? मैं कहाँ जाऊंगा? फंक्शन खत्म होते ही तुम चले जाओगे। अरे तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? तुम चले जाओगे। अरे मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? वादा करो नहीं जाओगे। ठीक है, ए, रात का टिकट कैंसिल करवा दो। ठीक है, कैंसिल कर देता हूँ। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। रुको अभी आता हूँ। तैयार हो जाओ। कर देता हूँ बोला तो। चाहे तुझे तेरा भैया, तू जो कहे वही करे तेरा भैया। तेरी खुशियों के लिए मारू मैं दोनों जहां, कभी आंसू ना आए तेरे नैना। अम्मा की तरह तुझे सीने से लगा लूं, बन के पापा तुझे गोद में उठा लूं। प्यारी है तू, प्यारी है तू, घर की लक्ष्मी है तू। तू है मेरी आंखों का सपना, ओ बहना, तू है तो है रोशन अंगना। ले लूं मैं तेरी बनाई, ओ बहना, तू है मेरी छोटी सी गुड़िया। जो है
हस दीपावली तुझो हस रंगोली तुझसे है खुशियां सारी हाँ तुझसे है खुशियां सारी तू है सबसे निराली फूल भरी डाली तू है देवी बहनरी हाँ पूजा मैं करूँ तुम्हारी छूटेगा ये बंधन कभी ना ओ बहना छूटेगा ये साथ कभी ना ले लूं मैं तेरी बनाए ओ बहना तू है मेरी छोटी सी गुड़िया ना होगा जुदा पानी का भी पानी से ऐसा है ये प्यार अपना हाँ ऐसा है ये प्यार अपना कभी ना आंसू बहे तेरी आंखों से करूँ ईश्वर से प्रार्थना हाँ करूँ ईश्वर से प्रार्थना मेरी लाडली बहना ओ बहना तू है मेरी नन्ही सी बहना ले लूं मैं तेरी बनाए ओ बहना तू है मेरी छोटी सी गुड़िया जन से चाहे तुझे तेरा भैया तू जो कहे वही करे तेरा भैया तेरी खुशियों के लिए वारूं मैं दोनों जहां कभी आंसू ना आए तेरे नैना की तरह तुझे सीने से लगा लूं बन के पापा तुझे गोद में उठा लूं प्यारी है तू न्यारी है तू घर की लक्ष्मी है तू तू है मेरी आंखों का सपना ओ बहना तू है रोशन अंगना ले लूं मैं तेरी बनाए ओ बहना तू है मेरी छोटी सी गुड़िया अरे मुझे कुछ भी नहीं पता मैं तो कह रहा हूँ क्या पूछा मैं मुझे कुछ नहीं पता शहर वालों को कुछ और काम नहीं है क्या जब देखो तब दीपावली मना लेते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता आप लोग मुझे क्यों मार रहे हैं सब लोग गौर से सुनो आज के समाचार के हेडलाइंस बालू के रहस्यमय समाचार को आप लोग गौर से सुने उनके चैनल की तरफ से सारी जनता को बताना चाहता हूँ मैं ये ए टीवी के प्रोपराइटर दयानंद को उनकी ही जगह में बेरहमी से मारा जा रहा है आतिश बालू अरे मुझे मत मारो मैंने कुछ भी नहीं किया अरे काहे मार रहे मुझे मेरा कसूर क्या है बालू नहीं मारेगा आतिश जलाएगा I'm sorry.
ठीक है जीजा, एक आदमी को सरेआम मार रहे हैं, पूछा तो कहते हैं हैदराबाद सिटी है। अरे उसने भी कोई गलती की होगी साले साहब, गांव में तो लड़ाई झगड़ा कम होता है, शहर में तो ये आम बात है, बड़े बड़े शहरों में ये सब तो होता रहता है। हाँ जीजा जी, लेकिन ये सब देखकर आप शांत कैसे रह पाते हैं? सिंपल साले साहब, अच्छे लोगों से अच्छे संबंध, बुरे लोगों से संबंध ही मत रख। मतलब इस शहर में कुछ भी हुआ तो हाथ बांध के देखते रहना है क्या? गुस्सा तो एक जलता हुआ आग है मेरे भाई, अगर उसको बुझाने जाओगे तो अपना हाथ खुद ही जल जाएगा। सुनिए साले साहब, आंखों से देखी हुई चीज को अनदेखा करना पड़ता है, सुनी हुई चीज को अनसुना करना पड़ता है। दिमाग में जोर मत डालिए, नहीं तो आपकी शांति भंग हो जाएगी। ए छोटे, जरा दो नंबर का टेबल दे। हाँ देखता हूँ। बताइए। मैं रिपोर्ट देने आया हूँ आपको। स्टेशन आकर दीजिए। सर अगर मैं वहां हूंगा तो वो लोग मुझे फिर से परेशान करने लगेंगे। बोलो क्या कर रहे हो तुम लोग, कहाँ से आए हो, क्या चाहिए, किसे मिला तुम लोगों को, कौन चाहिए आप लोगों को? हम आपके कस्टमर्स हैं, हमें आपकी बेबी चाहिए। हे भगवान, ये घर उनका नहीं है, वो घर ऊपर है। अरे वो ऊपर कहाँ है, वो तो ये नीचे सामने खड़ी है। क्या करो तुम लोगों को, आप लोग ऊपर जाइए, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ। सी ओल्ड मैन, मेरे दोस्त ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है ना, वो बहुत ही अच्छा है, मुझे भी वही बिजनेस स्टार्ट करना है। तेरे वाले बहुत अच्छी लड़की है, मैं भी तेरी लड़कियों को लेकर धंधा स्टार्ट करूंगा। कैसी बातें कर रहे हो, हमारा खानदान काफी सस्ता ही है। क्या हम लोग क्या बुरे खानदान से हैं, ये क्या बुरे खानदान से हैं? अंकल आप ही बोलिए ना, हम थोड़ी देर एंजॉय करेंगे तो क्या हो जाएगा? तेरे लिए तो बहुत अच्छी मिल गई, मैं तुम्हारे बीच नहीं आने वाला। अरे हम तो बहुत अच्छी एक्टर मिल गई है। क्या बात कर रहा है, बॉम्बे से मेरे लिए नया माल आया है। हमारी बच्चियों को छोड़ेंगे। मुझे इस तरह की तकलीफें दे रहे हैं वो लोग, अब आप ही बताइए साहब मैं क्या करूं? क्या हुआ, क्या हुआ? मेरे सहने की क्षमता टूट चुकी है, अब मैं नहीं सह सकता, अब आप मेरी सहायता करिए साहब, अब मैं अपने बीवी बच्चों को सर बताइए कहां लेके जाऊं? सर मेहरबानी करके उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कीजिए, मुझे इस नर्क से बचाइए। कंप्लेन दे दिया ना, 24 घंटे में एक्शन ले लूंगा। सर इसकी जानकारी किसी को ना हो। डोंट वरी, किसी को नहीं। अबे क्या कर रहा है, अबे पागल कहीं के वो, अरे क्या रे भाई, राजा से राजा को मार दिया, ऐसा चेस में कभी नहीं होता। बाहर खेल रहा हूं ना मैं, मेरे खेलने के समय और बात करने के समय साउंड नहीं आना चाहिए, पता है ना तुझे? पता है। ऐसे क्यों मार रहे मुझे? ऐसे भाई अंदर मार रहे हैं, भाई आ रहे हैं। आपने कुछ पूछा क्या? वो हमारा राजा देश के दो प्रधानमंत्री होते हैं क्या? नहीं, राष्ट्र में दो मुख्यमंत्री होते हैं क्या? कैसे हो सकते हैं? हाँ, इस सिटी में भी दो गंगा नहीं रहते, एक ही गंगा रहता है, मैं राजा हूं तुम मंत्री हो। बिल्कुल सही है। Thank you.
कंप्लेन देता है हमारे खिलाफ, तो इन क्या कर लेगा? क्या रे, तू हमारे खिलाफ बोलेगा, हमारी कंप्लेन करेगा? नहीं, अब नहीं करूंगा ऐसा। तुम लोग ध्यान से सुन लो, हमारे खिलाफ अगर किसी ने कंप्लेन किया ना, बेटा पंडित जिंदा है, उसके जान को कोई खतरा नहीं। क्या इंसान हो तुम लोग, 10 आदमी एक बुजुर्ग को मारे थे और तुम लोग देख रहे थे, मैं बचाने आया तो मुझे भी अंदर डाल दिया। छोड़ दिया होता तो एक एक को काट के रख देता। काट दिए होते बेटा, तुम एक एक को काट दिए होते। अरे उसके बाद तुम्हारी बहन और तुम्हारे जीजा का क्या होता पता है? उनको भी मारते वो लोग आकर। अपने इस गुस्से की वजह से अपनी बहन को सुखी नहीं देखना चाहते हो तुम? कैसे भाई हो तुम? इसको हैदराबाद सिटी के बारे में कुछ नहीं पता। चलो रे चलो। मुझसे नहीं होगा, वो बहुत जिद्दी है, मेरी बिल्कुल नहीं सुनेगा। सुनिए, आप ही भैया को कुछ समझाइए ना। मैं कैसे उनको बुलाऊं अब? ठीक है। साले साहब, 2 बार में आपने कुछ नहीं खाया, इस समय भी कुछ नहीं खाएंगे आप? ये शहर मुझे जमा नहीं, इसलिए अपनी बहन को लेकर मैं गांव जा रहा हूं। गांव जाओगे? क्यों साले साहब, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? यहां पर तो ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, इसके लिए आप ये शहर छोड़ दोगे? क्या साले साहब, ये तो एक मामूली सा झगड़ा है। मामूली झगड़ा है? आज कॉलोनी में जो हुआ वो कोई छोटी बात है? तुम्हारी शादी में हमारे घर पर आकर दोनों लड़के लड़की को खुशी का आशीर्वाद देने वाला वो बड़ा आदमी कौन था? 20 सड़क पर सरेआम उनकी बेटियों की आंखों के सामने अपमान करके उनके हाथ पैर तोड़कर गुंडे चले गए और तुम कहते छोटी बात है? हाँ, पुलिस कंप्लेंट करना गलत बात है। पुलिस कंप्लेंट गलत है? तुम कहते हो पुलिस कंप्लेंट गलत है? किसी के घर में गुंडे आकर लूट मार करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और तुम कहते हो पुलिस कंप्लेंट गलत है? कैसी बात करते हो तुम? यहाँ पे रहना है तो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसको देखते रहो, आप कुछ मत बोलो। देखिए साले साहब, मैं यहाँ एक छोटे से गाँव से आया, बड़ी मेहनत करके लोन लेकर के कॉलेज में कैंटीन खोला और ये घर बनाया, अभी अभी ये घर बसा है। मैं इन झमेलों में नहीं पलना चाहता। क्या मतलब, तुम बिनी को अपने साथ इस नरक में रखोगे? मुझे इस नरक से कोई मतलब नहीं है। क्या हम इंसान नहीं है? किस जगह झगड़े नहीं होते? आपके गांव में नहीं होते? मेरे गांव में रहते नहीं होते। अरे क्या साले साहब, आप भी ऐश्वर्या तुम बताओ, जब तुम कॉलेज जाते हो तुम्हें कितने लोग छोड़ते हैं? क्या तुमने पढ़ाई छोड़ दी या तुमने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की? और क्या बताऊं, मार्केट के एरिया में वहां रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज गुंडाई होती है। क्या लोग वहां व्यापार नहीं करते हैं? लोग वहां आते जाते नहीं है? चुपचाप रहना ही जीवन है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस शहर में रहना तो ये सब सहना कोई गलत नहीं है। इन गुंडों के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उल्टा हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। साले साहब मैं समझ सकता हूं, ये सब बातें तुम्हें अच्छी नहीं लग रही होंगी। तुम्हें तुम्हारी बहन की चिंता है ना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी बात पे विश्वास कीजिए। बहन, इस शहर में तुम्हें छोड़ने में डर लगता है, तुम्हें मेरे साथ गांव चलना होगा। मुझे कुछ भी नहीं होगा भैया, मेरी देखभाल करने के लिए ये है ना। वो नहीं भैया, अब मैं तुम डरो मत अमित, तुम्हारी बहन की हिफाजत हम करेंगे।
तुम इतनी जल्दी मान जाओगे ये मैंने सोचा ही नहीं था। तुम्हारा गुस्सा ठंडा होने के लिए मैं राघवेंद्र स्वामी के मंदिर जाकर आई हूँ। ये तुम्हारे गुस्से को कम करेगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी याद समझ कर इसे बांध लो। अमित टाइम हो रहा है, चलता हूँ। टाइम हो गया, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, बीच बीच में आता रहूंगा। भैया वहां सबको मेरी याद देना। दादी से कहना मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। ठीक है, कह दूंगा। बच्चों की तरह क्या रो रही है तू? भैया और मैं आज तक कभी अलग नहीं हुए थे, आज पहली बार वो मुझे छोड़ कर गए। अब क्या हुआ, क्या तुम्हारा भाई वापस नहीं आएगा? नहीं तो हम चले जाएंगे। इसके लिए रो रही हो? नहीं जी, वो मुझे अकेली छोड़कर नहीं गया है, वो अपने मन की शांति भी छोड़कर चला गया। देखा नहीं हूं, देखा नहीं, हट। अरे छोटू, अरे क्या हुआ? 10 पैकेट सिगरेट और 10 पैकेट पान पाक निकाल। सर आपका बिल 6000 का हो गया, अब उधार और। एए, तुझे पता नहीं किससे बात कर रहा है, पांडू गुटका, पांडू गुटका। गुड मॉर्निंग सर। भाई प्रिंसिपल। अरे पिछले हफ्ते से इस बार साइज बढ़ गया। मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए मेरा पेट बढ़ रहा है। आपके पेट में क्या है? महीने में 4 इंच बढ़ रहा है, इसका क्या करोगे? आ रही हूँ। ए, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो मेरे को। ए, छोड़ 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 ना इसको। हमारे खिलाफ कंप्लेंट लेता पड़ेगा। हम यही पड़े पड़े हुए, हमारे आगे जा रहा है। छोड़ो मत इसको, मारो मारो इसको।
हमारे खिलाफ प्रिंसिपल को कंप्लेंट देता है, तू अपने आप को समझता क्या है? यही तुझे काट कर रख दूंगा, समझा? सर मैंने कंप्लेंट, अरे चुप, ये पांडू गुटका को कारण पकड़ते ही पता चल गया, ये तू है तू, समझे तू? सर भाई को पता नहीं सर, वो कंप्लेंट मेरे चल। ये कीड़े मारने की दवा है ना, इसके पेट में भी कीड़ा पल रहा है ना, इसे मार देंगे। इसे मार देंगे, मार देंगे इसे, मार दो चाहे बोल, मार दो, मार देता हूं। ए घंटी बज रही है, शगुन बहुत अच्छा है, मार देते इसको, इसको, इसको छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, इसको छोड़ दो, मार देता हूँ, इसको कुछ मत करो, कल से वो कैंटीन मेरी है, उस तरफ देखा भी ना तो जान से मार डालूंगा, हट चलो। बिनी, बिनी, बिनी मैं हूं, भैया, बिनी, बिनी बोलो ना क्या बात है? भैया मैं एक मिनट में स्टोव बंद करके आती हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ विनी बोलो। बोलिए भैया। तुम कैसी हो विनी बताओ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जीजा जी कैसे हैं? वो भी अच्छी अच्छे हैं भैया। बहन तुम समय पे खाना खा रही हो ना? डॉक्टर के पास गई थी ना? विनी तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तुम चिंता मत करना, ठीक है? तुम चिंता मत करना, ठीक है? मैं बाद में फोन करूंगी। ठीक है विनी, फोन रखता हूं। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी, तुम्हें उसे अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अमित, अमित, कहाँ हो अमित? इतने दिनों से जो कभी भी सोचा नहीं था वो हो गया है भाई। क्या हुआ रे? गजब हो गया है। बताओ क्या हुआ है? मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता। बताते हो या नहीं? तुम ही पढ़ लो। अरे
आया है। हाँ, मैंने कितनी बार भगवान से कहा था कि यहाँ पर वीजा ना आए, लेकिन पिताजी ने नारियल फोड़ करके ये वीजा भगवान से मंगवाया है। ए नसीमा, चाचा जी रुकिए, रुक। देखो अमित, इकलौता बेटा, उसे छोड़कर रहना हमें भी तकलीफ है, लेकिन उसे एक रास्ता दिखाएंगे तो ही हम माँ बाप कहलाएंगे। इसलिए खेत खलियान बेचकर दुबई भेजना चाहता हूँ, बोलता जाऊंगा ही नहीं। आप कुछ भी कहिए पिताजी, मैं अमित को छोड़कर के 5 साल दुबई में नहीं रहूंगा। हाँ, बता दे रहा हूँ। अभी तुम बच्चे हो, 5 साल ऐसे ही बीत जाएंगे, हमारी तो उम्र हो गई है, कब क्या हो जाए पता नहीं। अमित बेटे, तुम ही इसे समझाओ ना, तुम्हारी बात ये जरूर मानेगा। चाची जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दोस्ती की वजह से हम लोग 20 साल तक साथ रहे हैं, उसी दोस्ती के लिए 5 साल अलग नहीं रह सकते। तुम भी ना अमित, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना पड़ेगा। बोला मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना पड़ेगा। चाची यहाँ से कब जाना है? कल ही जाना है। आज सभी तैयारी हो गई? बिनी, क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा ठोका हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम सो जाओ। कैंटीन की बात को लेके, कैंटीन मैंने उनको दे दिया है, सो जाओ। क्या बात है बिनी, भैया की याद आ रही है? जी हाँ, गांव में एक आवाज देने पर भैया दौड़कर आ जाया करते थे। आप रुकिए। तो आता हूँ, इसमें रोने की क्या बात है? हाँ, बताओ क्या हुआ? रो मत देनी, बताओ क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? मैंने कहा था ना कि मिलने के बजाय फोन पर बताएंगे और चले जाएंगे, अब देखो कितनी दुखी है ये। दुखी मत, मैं आ गया हूँ ना। क्या हुआ जीजा? ये पट्टी कैसी है जीजा? वो कुछ नहीं साले साहब, गाड़ी स्लिप हो गई थी इसलिए चोट लग गई। हैदराबाद में सड़क पे गाड़ी चलाना भी मुश्किल है। जीजा जी, गाड़ी देख करके चलाया कीजिए, कभी कभी बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाता है। रोड देख कर चलाइए, गाड़ी देख कर नहीं। आते शुरू हो गया तो और कितने देर बकबक करेगा, बस 2 दिन की। उसके बाद दुबई जा रहा है। ओ, ऐसा क्या? भाभी, ओ लक्ष्मी भाभी,
लक्ष्मी भाभी, हैदराबाद में आपको आपके गांव की आवाज सुनाई दी या नहीं? मतलब? अरे ऐसे नहीं भाभी, तुम्हारे गांव से तुम्हारे भाई का फोन आया या नहीं ये पूछने आई। ये सब किस्मत की बात है भाभी, किस्मत की। आप तो उसकी बहन है, वो आपको ही फोन करेगा। मुझे क्यों फोन करेगा, मैं थोड़ी ना तुम्हारी फैमिली मेंबर हूँ। मेरा सेल नंबर होते हुए भी उसने मुझे फोन नहीं किया। कौन है? ओ, तो जाने जिगर तुम हो मेरे दिलबर, मेरे मुन्नू, मेरे जन्नू। तुम तो मुझे बहुत प्यार करते हो ना। वो अमित है ना, वो तो बिल्कुल पागल है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम उसे इतना प्यार करते हो। और मैं उस पागल अमित ना उसको दिल दे बैठी थी। I love you। Come dance with me. Ishq mein, ishq mein, tu mere ishq mein, pagal deewana ho gaya tu mere ishq mein. Ishq mein, ishq mein, tu mere ishq mein, pagal deewana ho gaya tu mere ishq mein. Tune mujhe bechain kiya re hai apne ishq mein. Chahe kahe na kahe, par sach hai kho gaye hum ishq mein. Hey, ishq mein, ishq mein, tu mere ishq mein, pagal deewana ho gaya tu mere ishq mein. Oh,
दुबई जा रहा हूँ, दुबई जा रहा हूँ। दुबई? गली गली में मसाले की खुशबू आ रही है। लक्ष्मी बिरयानी बना रही है। फिर तुम क्या कर रहे हो? इसे खाने के लिए? थोड़ा ज्यादा खाने के लिए। ए, क्या कर रहा है? चल अंदर। क्यों, इसे आग बंद करना चाहोगे? पहचान लूंगा। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तुझे नहीं, मुझे बुला रही है। भैया आ रहा हूँ। मुझे बुलाया है? जाओ। कसरत करने से मसल बढ़ती है, लेकिन ये लोग करने ही नहीं देते। पंडित जी के घर पर ताला क्यों लगा? पता नहीं, उस दिन झगड़ा होने के बाद वो लोग घर छोड़कर चले गए। कहाँ गए हैं पता नहीं। मैं चलती हूँ। आओ अमित, बिरयानी खा करके घूमने चलना है। चलो चलो, बिरयानी ठंडी हो जाएगी। अरे भाई, दुबई में भी बिरयानी मिलेगी? मिलेगी मिलेगी, लेकिन बहन के हाथों जैसी नहीं मिलेगी। दो दो। अरे अरे, ए, गरम है। धीरे खाना। धीरे से खाके, धीरे से जाके, धीरे से घूमने के बाद मैं एयरपोर्ट पहुंचूंगा तो प्लेन मिस हो जाएगा और मैं दुबई नहीं पहुंच पाऊंगा और पिताजी मेरे नाम के आगे लेट नरसिम्हा लिख देंगे। दो। भाई, ये तो बड़ा अजीब किला है। बहुत ज्यादा भीड़ है। कितनी भी पब्लिक हो भाई, पब्लिक बहुत है। पब्लिक के बीच क्यों मारूं उसे? लोगों के बीच मारोगे तो ही मजा है। मारो उसे, जाने ना पाए। सर 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 सर, आपका टिकट गिर गया सर। थैंक यू। ओके, कैसी हो? आइए सर, ये किले का मेन दरवाजा है। यहाँ पर आप ताली बजाओगे, उसकी गूंज वहाँ ऊपर तक सुनाई देगी। ट्राई करिए। ताली बजाएंगे तो आवाज ऊपर तक जाएगी? हाँ, आइए आप भी ट्राई कीजिए। ए, सच सच बताना, वरना याद रख। अमित, तू ऊपर जा, मैं नीचे से ताली बजाता हूँ। जरूरी है क्या? जाना जाना, मुझे शक होता है तो जब तक मैं उसका पता नहीं कर लेता। जा जा जा। ठीक है, चलो। सुनाई दिया? अरे भाई, जरा जोर से बजाओ। सुनाई दिया? सुनाई दिया? ये सुनाई दिया क्या? मैं कैसा हूँ पता होने के बाद भी मेरे ऊपर इंक्वायरी कमीशन लगाते हो? ए, पकड़ उसे। ये देखने के लिए अकेले आना चाहती थी? नहीं आती तो आप अकेले नहीं रहते? मैं अकेला नहीं हूँ, ये भी है ना मेरे साथ। सुनाई दिया क्या? इधर भाग रहा, रुक जाना। ये क्या? आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। आप देख, तेरा क्या हाल होने वाला है। गंगा, मुझे मारोगे तो बहुत गलत हो जाएगा। भाग जाऊंगा, इतने लोगों के सामने तुम्हें काट के भाग जाऊंगा। कोई भी गवाही नहीं देगा। दोगे क्या, बोलो? ए! ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? रुको सर 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 सर, रुकिए सर, मेरी बात सुनिए सर। कुछ अगर बात है तो आप लोग बैठ करके बात कर लीजिए। ये चाकू तलवार क्यों निकाल रहे हैं? सुनिए सर, चाहिए तो मैं अपने दोस्त अमित को बुलाता हूँ। हम लोग गांव में मिल बैठ करके बात सुलझाते हैं। अमित, 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 आप लोग मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? आप लोग अकेले आदमी को इतने लोग मिलके मार रहे हो? ए, ये तुम लोगों की जगह इसलिए ऐसा कर रहे हो ना? मेरे गांव में आकर के दिखाओ, सबकी मर्दानगी निकाल दूंगा, एक एक को मारूंगा, एक एक को मारूंगा, समझ गए तुम लोग? कंगा पे हाथ उठाता है, कंगा से पंगा लेता है। क्यों बे? से पंगा लेने वाला इस दुनिया में नहीं रहता, इस दुनिया से उड़ जाता है।
नरसिम्हा, हे नरसिम्हा, क्या हुआ नरसिम्हा? अम्मे, 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 बोलो नरसिम्हा। भैया, हमें भगवान भी अलग नहीं करेगा, कहा था ना, लेकिन एक हैदराबाद के गुंडे ने। नरसिम्हा, जी जाओ, ऑटो रिक्शा लेकर आओ, अभी हमें हॉस्पिटल जाना होगा। नरसिम्हा, नरसिम्हा, नरसिम्हा सुनो, तुम्हें छोड़कर 5 साल भी नहीं रह सकता, अब हमेशा के लिए भगवान मुझे ले जा रहा है। नरसिम्हा, बहन लक्ष्मी जा रहा हूँ। अमित, अमित, उनको छोड़ना मत, अमित, उनको छोड़ना मत, उनको छोड़ना मत। मेरे बेटे को मैंने क्यों भेजा? वो तो जाने के लिए मना कर रहा था। भैया, भैया, अब हम चलते हैं भैया। कहाँ? हैदराबाद। हमें यहाँ आकर काफी दिन हो चुके हैं। नहीं रे, 1 महीने के बाद तो फिर डिलीवरी के लिए आना पड़ेगा, तब तक यहीं रह जाते हैं। ये कैसी बात कर रही हो? अब तुम्हारे डिलीवरी का टाइम भी करीब है, बच्चे के जन्म के बाद तुम यहाँ से चली जाना ये ठीक रहेगा। ठीक है साले साहब, ये यहाँ रहेगी, मैं जाता हूँ। ये क्या चीज है जी, विनय की ये पहली डिलीवरी है, ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा उसे आपकी जरूरत है, और आप यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं? वैसे भी कॉलेज की छुट्टियां चल रही है ना। लाइए बैग मुझे दीजिए। Thank you.
चलो। क्या भैया, हमें यहाँ रुकने के लिए कहा और आप कहाँ जा रहे हैं? तिरुपति के मंदिर में अच्छी नौकरी मिल गई है, कल ही ज्वाइन करनी है। अरे पगले, इस शुभ काम में तू नहीं रहेगा तो? आप सब लोग तो हैं ही ना नानी माँ। हम सब लोग हैं तो फिर भी उसका माँ बाप भाई तू ही तो है, अगर तू नहीं रहेगा तो? चलता हूँ बहन, चलता हूँ जीजा। नहीं भैया, अगर तुम चले गए तो? तुम्हें देखने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं ना, ऐसी हालत में मेरा जाना बहुत जरूरी है। मुझे टाइम मिला तो मैं भी आ जाऊंगा। जन्मदिन ऐसे ही आए और हम हमेशा मनाते रहे। ए, काकू दो। ए, भाई को केक काटने का आदमी नहीं। लो भाई, इससे केक काटो। सीधा बात नहीं बोलते रहे। हैप्पी बर्थडे बोलो। हमको नहीं मालूम। पांडो, आज खाओ पियो मजा करो। आओ, तो आजा आजा, सही टाइम पर आ गया। ए, गिलास इसको भी दे। नहीं भाई नहीं। क्या हुआ? शांति नगर के चकले को लेकर के एक और कंप्लेन आई है, लेकिन इस बार कंप्लेन किसी बुजुर्ग ने नहीं दिया, किसी लड़के ने दिया है। बहुत तेज वो लड़का है। अरे तुम मत क्यों रहे दोबारा।
गंगा का आदमी, क्या हो गया इसे? हेलो, क्या शांतिनगर में लफड़ा? आ रहा हूं। तेरे बारे में पता था, अगर तेरे पास कंप्लेंट लिखवाई तो तू कुत्तों की तरह गुंडों के सामने जाके तो मिलाएगा। इसलिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये गुंडे, ये भाई लोग, ये गलत काम करने वाले ऐसे कितने ही लोग तो जैसे पुलिस वाले की वजह से पनप रहे हैं और मारे जाते हैं गरीब। मैं ये नहीं होने दूंगा। तेरी मौत से पुलिस डिपार्टमेंट में तेरे जैसे घूसखोरों में डर पैदा करना है। तेरे जैसों की सहायता पाकर उड़ने वाले गुंडों को एक झटका देना है मुझे। गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। सीधी तरह काटा तो हत्या है, ऐसे काटा तो वध, असुरों का वध। उठाओ ये कचरा, उठा करके फेंको।
म्युनिसिपल पार्टी का कचरा भी हमें ही उठा के फेंकना पड़ता है, क्या करें हम लोग। अरे अपने डिपार्टमेंट में ऐसा कचरा बहुत कुछ पड़ा है। अरे मेरा कहने का मतलब, रुको रे, रुको रुको, ये किसके सर? ये क्या कर रहे हैं सर? जूस के लिए। सर कातिल को कोई आइडिया नहीं है, उसने त्रिशूल से मारा होता तो उसके तीनों निशान मिल जाते सर। अरे पागल, तू एक नंबर का बेवकूफ है। अगर इसे विष्णु चक्र से मारा होता तो न जाने कितने नींबू इसके अंदर से निकलते। सर वोट लालू। यस सर। प्रसाद कोई सबूत मिला क्या? मुझे कोई निशान नहीं मिले सर, लालू जी को मिले। किधर है? क्या खून के निशान मिले? इस केस का स्ट्रॉन्ग एविडेंस ये नींबू ही है। उसने अपने मुंह के ऊपर लाल कलर का रंग पोत कर उसने कई लोगों को मारा है सर। कितने लोगों को मारा होगा? पूरे 21 लोगों को मारा है सर, उसमें से 20 लोग गुंडे थे और एक पुलिस वाला। पुलिस वाला गुंडा था सर। क्या हत्यारे को कोई सपोर्ट है? नहीं सर, यही रिपोर्ट है। हेलो हेलो एसीपी, आज से आपका जो काम है वही मेरा काम है। सिटी के गुंडों को आप ऐसे भी नहीं मारते, इसलिए उन्हें मैं खत्म करूंगा। आप लोग सिर्फ पोस्टमार्टम कीजिए, उनके बॉडी पार्ट्स काम आएंगे। एक कौन हो तुम? अमित, अमित कुमार। क्या मजाक कर रहे हो तुम? मजाक नहीं, सवाल कर रहा हूँ। सिटी में एक कमिश्नर, 5 डिप्टी कमिश्नर, 44 असिस्टेंट कमिश्नर, 9050 इंस्पेक्टर, 7032 कांस्टेबल, इस तरह पुलिस डिपार्टमेंट में कुल मिलाकर 8132 पुलिस वालों ने जो नहीं किया मैं अकेला करके दिखाऊंगा। इस सिटी में गुंडा दादा भाई कहलाने वालों को मिटा कर रख दूंगा। ए, तुम लॉ को हाथ में लेकर गुंडों को मारोगे तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट तालियां बजाते हुए बैठेगा? आप तालियां बजाएं या ड्रम बजाएं मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने जंग का ऐलान कर दिया है, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। कौन है रे तू? अमित, अमित कुमार। क्यों रे, इस लाश को देखकर तेरी छाती फट गई ना? आगे सुन क्या होने वाला है। तुम्हारी मौत आ गई है कहकर तुम लोगों को डराते थे, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौत क्या होगी। ए, गंगा, पुराने पुल का गंगा, मेरे एक आदमी को 20 लोग मिलकर मारते हो और बहादुर समझते हो? दम है तो मेरे सामने आकर दिखाओ। ए, तुमने 20 साल की मेहनत करके जो गुंडा राज की बुनियाद रखी उसे मैं आधे घंटे में ला कर रखा। एक मर्द के लिए इतना काफी है, अब तो तैयार हो जा, तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है। ए, ए, ए। आज से गिनती शुरू कर दो। गांव, नई नौकरी, अच्छा है। तो तुम यहाँ काम करने आए हो, यहाँ आकर मुझसे बिना मिले जाते हो? बात मत करो, वापस तुम हैदराबाद आए तो मुझसे जरूर मिलोगे, प्रॉमिस करो। करो ना। अमित कुमार, तुम कब आए? ठीक है मैं अर्जेंट काम से जा रहा हूँ, तुम घर के पास रहो, आने के बाद फ्री होकर बात करेंगे। अर्जेंट काम है? कुछ 20 गुंडों ने मिलकर एसआई का खून कर दिया है, हमारे एसीपी को फोन करके वार्निंग दी है। क्या कहा? वो सब मुझे नहीं पता। मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझे नहीं बताओगे? डिपार्टमेंट की सीक्रेट बातें हैं, ये सब नहीं बताते। ऐसा कौन सा बड़ा सीक्रेट है? इस सिटी में एक कमिश्नर, 12 डिप्टी कमिश्नर, 44 असिस्टेंट कमिश्नर, 9050 इंस्पेक्टर, 7152 पुलिस कांस्टेबल, कुल मिलाकर आपके पुलिस डिपार्टमेंट के 8152 पुलिस वाले जो आज तक नहीं कर सके वो मैं आपको अकेला करके दिखा सकता हूँ। इस सिटी से गुंडे दादा भाई कहलाने वालों का नामो निशान मिटा दूंगा, यही सीक्रेट है ना? ए, ये सब तुझे कैसे मालूम? आज शांतिनगर कॉलोनी में 20 गुंडों की हत्या करने वाला और एसीपी को वार्निंग देने वाला मैं, वो अमित कुमार मैं। हे, तू गलत कर रहा है। गलत मैं नहीं, आप लोग कर रहे हैं। हर महीने तनख्वाह लेते हैं, साल में बोनस लेते, रहने के लिए मकान है, आपसे जनता की रक्षा के लिए कहा जाता है और आप में से बहुत से लोग घूस लेकर गुंडों के कुत्ते बन जाते हैं, बेचारे गरीबों पर जुल्म करते हैं। ए,
मेरा दोस्त नरसिम्हा, जिसे दोस्ती के सिवा कुछ भी पता नहीं था, उसको बड़ी बेरहमी से मार दिया। उसे किसने मारा है तुम्हारे डिपार्टमेंट को पता है। इसके बाद भी क्या कर रहा है तुम्हारा डिपार्टमेंट? पुलिस स्टेशन और कोर्ट से जब इंसाफ नहीं मिल पाएगा तो लोग मेरा रास्ता चुनेंगे। सताया हुआ हर आदमी आपको तलवार पकड़ा हुआ दिखाई देगा। हर गुंडे और दादा को ऐसे ही मारेगा। ए, तेरे हिसाब से चलने के लिए नहीं है हैदराबाद सिटी। ए, क्या सिटी सिटी करके डरा रहा है? क्या सिटी में गाँव के लोग नहीं रहते? हैदराबाद सिटी हमारे राज्य की राजधानी है, कोई गुंडों का अड्डा नहीं है। यहाँ कुली का काम करने वाले से क्राइम ब्रांच के ऑफिस में काम करने वाले सारे लोग किसी न किसी गाँव से आए हैं। यहाँ बम फटा तो उसकी आवाज राज्य के हर गांव तक सुनाई देती है। यहाँ सिटी में रहने वाले उनके रिश्तेदार उनके बच्चों का क्या हुआ होगा ये सोचकर हिल जाते हैं। ए, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे कितने ही भाई जिन्होंने अपनी बहनों की शादी करके यहाँ भेजी है ये सोचकर सहम जाते हैं कि कब क्या हो जाएगा। यहाँ कुछ हुआ तो डर से हिल जाने वाला ये शहर ही नहीं पूरा राज्य टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। राजधानी अगर शांति से रहे तो राज्य शांति से रहेगा। आपसे कहा गुंडों और दादाओं को अंदर करो तो आप वो करते नहीं। आप न सोचते हैं न करते हैं। मैं सोचता भी हूँ करता भी हूँ और करूंगा, एक एक को काट डालूंगा। अमित तुम सच कह रहे हो क्या? ये सब करना गुनाह है। मैं चाहो तो अभी अरेस्ट कर सकता हूँ। शाबाश, ये है पुलिस की बोली। दोस्ती के नाते कह रहा हूँ चले जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा। तुझे अरेस्ट कर लेंगे। तैयार हूँ। मारेंगे तुझे। तैयार हूँ। बेखौफ होकर यहाँ आओ। ए, अगर तुम में दम है और इस वर्दी में एक सच्चा पुलिस वाला है तो एक गुंडे को अरेस्ट करके दिखाओ। 24 घंटे अंदर रखकर कोई फोन करे, कोई लोफर कहे तो भी मत छोड़ना। तब मुझे तुम क्या पकड़ोगे? मैं खुद कहूंगा 20 गुंडों को मैंने मारा है, मैं ही अमित कुमार हूँ। मैं खुद अंदर जाऊंगा। पकड़ सकते हो तो सिर्फ एक को, एक गुंडे को पकड़ के दिखाओ। कल ही पता चल जाएगा कि इस वर्दी में कितनी गर्मी है और इसे पहनने वाला कितना दिखता है। पूरे हैदराबाद पे राज करने वाला आतिश बालू का आदमी। चुप, एक शब्द अपने मुंह से निकाला तो सारी की सारी बुलेट अंदर डाल दूंगा। साले, हेलो। हाँ कौन? ऐसा ही क्या? मैं एमएलए रामचंद्र बात कर रहा हूँ। क्यों रे आतिश बालू का आदमी को रिस्क किया क्या रे? अरे सुनो, वो बहुत अच्छा आदमी है, उसे जल्दी छोड़ दो। सर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है। क्या स्ट्रॉन्ग लाइट कह रहा है? क्या हम शराब में सोडा मिला रहे हैं क्या? क्या बात करते हो? राजनीति में पुलिस और राजनीति को मिलकर काम करना पड़ता है, यही तो सिस्टम है, समझ गए तुम? ए, तुम यहाँ आकर भी कहोगे तब भी नहीं छोड़ूंगा साले को। ए, क्या बात करते हो? तू किससे बात कर रहा है पता है? पुलिस, पुलिस से। तेरे जैसे भड़वे लोग को अंदर डाल के नंगा कर देने वाली वही पुलिस है। पुलिस, ये बात किसी लुके को समझा? मुझे नहीं फोन रख दे। इंस्पेक्टर साईंराम हियर। मैं हूँ बच्चे, आवाज नहीं पहचानी? मिनिस्टर लाल सत्या बोल रहा हूँ। हाँ क्या रे, बालू के आदमी को अरेस्ट करके छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कहा? हाँ देखो बेटा, जो हुआ वो तो हो ही गया, लेकिन उसे जल्दी से रिलीज करके उसे एक बार फोन दो बेटा। मिनिस्टर जी लाइन में है, आकर बात कीजिए सर। ओ मिनिस्टर जी, ओके। Hello. मिनिस्टर जी लाइन में है, बात कीजिए सर। नहीं 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 सर, मैंने उससे कितना कहा लेकिन वो नहीं आ रहा है सर। देखो बेटा, तुमने हाथ डाला उस पर नहीं, आतिश बालू पे। बेटे संभल के रहना, तुम्हारे स्टेशन में आतिशबाजी होगी। yeah.
आतिश बालू, बालू नहीं बात करेगा, आतिश बात करते हैं। आज तेरे बेटे का जन्मदिन है ना, गिफ्ट लाया हूं। एमएलए ने कहा फिर भी, मंत्री ने भी कहा, इसीलिए सीधे तेरे बेटे को उठवा दिया मैंने। इंस्पेक्टर, आधे घंटे में मेरे आदमी मेरे पास होना चाहिए, नहीं तो तीसरे मिनट में इसी पुलिस स्टेशन पर, इसी जगह पर तेरी घरवाली की लाश मिलेगी। ए, तुम सही हो, इस सिटी में गुंडों को तुम मारते हो, सही हो, उन्हें तुम जैसा ही चाहिए, मार दो उनको, चौराहे पर मारो, उन कमीनों के टुकड़े टुकड़े करके काट दो, किल दो बास्टर्ड। अब बोलो मुझे क्या करना होगा, बोलो क्या करना है, मुझे नहीं चाहिए वर्दी, मुझे वर्दी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वर्दी। अभी इस खाकी वर्दी से बहुत काम है, निकालो सारे पुलिस रिकॉर्ड, निकालो एक छोर से दूसरे छोर तक, शहर के बाहर से हैदराबाद के अंदर तक, गली गली में फैले भाई लोगों की लिस्ट निकालो, एक एक के टुकड़े टुकड़े करके काली मां को बलि चढ़ाऊंगा। ये ओल्ड सिटी को हिला के रखने वाला भाई, उसके ऊपर 100 केस है, उसका नाम आतिश बालू, ये सिटी में ड्रग्स बेचकर नौजवानों को बिगाड़ रहा है, नाम है पांडो, गुटका पांडो, ये इस सिटी का दलाल किंग, जिस घर में जाता है बच्चा नाथ हो जाता है, नाम है गंगा, पुराने पुल का गंगा। उसने मुझे लेटर लिखा है, मुझे जान से मारने की धमकी दिया है। ए, ये सब ड्रामा कैसा हो रहा है, हा? मुझे मरवाना चाहते हो तुम, हा? तुम्हें लेटर लिखने वाला मर्द कौन है बालू? अमित, वही अमित। एड्रेस लिखा है क्या? हा? कोई भी रास्ते चलने वाला अगर तुम्हें लेटर लिखेगा तो तुम डर कर मेरे पास दौड़ कर आ जाओगे। टू मच, ऐसा है ना? ये मजाक मत करो, उसने हमारे आदमी को मारा, तुम्हारे एसआई को मारे, एक हफ्ता हो गया, तुमने उसका क्या कर लिया आज तक? कूल बालू, कूल बैठो। ए, ये क्या कूल कूल, मैं क्या कोल्ड ड्रिंक हूँ? बैठो, बताता हूँ बैठो। देखो बालू, आप दंगे फैलाने के समय, दहशत करने के समय, मर्डर करने के समय, इज्जत लूटने के समय जो आपने उखाड़ा था वही आज उखाड़ रहे हो, समझे? आतिश बालू, हाँ तो क्या,
मेरी आंख बंद करके खोलने से पहले तुम मुझे दिखाई दिए तो नहीं रहोगे, परमानेंट नहीं रहोगे। क्या हुआ भाई? मेरी जिंदगी उसके लिए कीमती नहीं है। अगर मुझे जिंदा रहना है तो उसे खत्म करना होगा। ए, एसीपी की लड़की कहां पड़ती है? की लड़की कहां पड़ती है? हेलो, कान खोल कर सुनिए। नाम है संजना, उम्र है 18 साल। कॉलेज जाने के समय व्हाइट शर्ट नीला जींस पहना था। तेलुगु हिंदी इंग्लिश जानती है। अगर उसको बचाना चाहते हो तो अमित कुमार का तुम्हें एनकाउंटर करना पड़ेगा, समझ गए ना? ए, बालू, बालू। समाचार समाप्त हुए, नमस्कार। ए, बालू, बालू। तेरी बेटी तो बड़ी मस्त मस्त दिख रही है एसीपी, मेरे कलेजे में तीर चला रही है रे। ए बालू, बालू प्लीज, बालू मेरी बात सुनो। ए सीपी, जो कहा वो करो। उसने मुझे 24 घंटे का टाइम दिया है, मैं तुझे 20 घंटे का टाइम दे रहा हूँ। इसके अंदर अगर उसे नहीं मारा तो समझ ले तेरी बेटी। तुम्हें घर घर पुलिस ढूंढ रही है, यही तुम्हें अच्छा मौका है। ऐसे समय में एसीपी की बेटी को बचाओगे तो तुम्हें ढूंढने वाली पुलिस तुम्हें सैल्यूट करेगी। बालू, आतिश तेरी बलि चढ़ाने के लिए आया हूँ। कौन बोल रहा है तू? अमित, अमित कुमार। अमित कुमार? क्यों रे, नाम सुनते ही तेरी। ए, किसको धमकी दे रहा है? एक बार सामने आ जा, मैं क्या हूँ तुझे पता चल जाएगा। ए, लड़की को किडनैप करके छुपाने वाले डरपोक नामर। कौन कौन डरपोक है रे? मैं डरपोक हूँ? 15 साल की उम्र में ही मैंने रेप किया, चोरी किया, कब्जा किया, कुल मिलाकर मेरे ऊपर 120 केस चल रहे हैं। 120 केस चल रहे हैं। 18 साल की उम्र में मैंने 22 लोगों को काट कर फेंक दिया। आतिश बालों का नाम सुनते ही पैदा होने वाला बच्चा भी खत्म हो जाता है, समझा? माँ बाप भाई बहन चाचा भतीजा बीवी बच्चों को कुछ देर के लिए किनारे रख दे तो लोग तुझसे भी बड़े गुंडे हो जाएंगे। तुझ जैसे भरवे लोगों को पैर के नीचे मिट्टी 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 की तरह बसल कर रख देंगे। तुम्हें खींच कर एक दूंगा तो कचरे में जाकर करोगे, क्या समझे? सुन, अगर तुम जिंदा रहोगे तब ना। ए माई के लाल, तेरे लेफ्ट राइट फ्रंट और टॉप और बॉटम पर रहने वाले चमचे कम हो गए, देख ले। कौन है रे तू? ए सोन, मेरे दिए हुए 24 घंटे में से अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। कौन है तू बता मुझे, कौन है तू? कमिश्नर की बेटी को घर भेजने के लिए सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। ए, बता। छोड़ोगे तो कुछ समय तक और जिंदा रहोगे, नहीं छोड़ोगे तो मारे जाओगे। ए, बताता क्यों नहीं है कौन है? क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ भाई? तुम सभी लोग ठीक हो ना? ठीक हो ना भाई? ठीक है, हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ है, कहाँ है? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा मोबाइल फोन किधर है, मुझे दे। इधर है भाई, ये लीजिए, ये लीजिए। 2374-3283 इस नंबर और एड्रेस का पता करो, जाओ। उसको मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसको। वो देखो भाई, वो देखो, वो देखो।
मुझे मत मारो भाई, फोन भाई 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 मुझे मत मारो, फोन करो भाई, फोन करो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे जब भाई क्या रे, मिल गया क्या, मिल गया वो, मिल गया क्या? नहीं भाई, नहीं मिला भाई। यहाँ पर जो सड़ा हुआ गोडाउन है, यहाँ पर कोई लड़का बेहोश है, लेकिन ये नंबर यहीं का है। वो जिंदा है क्या? जिंदा है क्या बताओ भाई? एनी टाइम मर सकता है। पूछो पूछो उससे, वो उसको पहचानता है क्या? जल्दी पूछो। ए, तुम मारने वाले को पहचानते हो? पहचानते हो? बताओ बताओ बताओ। पानी, पानी। भाई सुनो, मत देना, मत देना उसे, पानी मत देना, वरना वो मर जाएगा। अरे उसको इधर ले आ, उस सोने को इधर ले आ रे। ठीक है भाई, ए उठाओ इसको। देख इधर, देख इधर, देख उसे पहचानता है तू? हाँ उसे पहचानता है तू? पहचानता है ना? बोल बोल बोल, काला है या गोरा, किस रंग का है वो? हाँ बता। मेरे जैसा, मेरे जैसा। ये बता उम्र कितनी है? हाँ मेरी उम्र क्या? हाइट, उसकी हाइट कितनी होगी? मेरी हाइट का होगा। अरे अच्छा ये बता उसकी आंखें कैसी हैं? आंखें कैसी हैं उसकी? चलती रहती हैं। सब कुछ पूछ रहे हो, लेकिन उसकी मार के बारे में नहीं पूछ रहे हो। अमित कुमार, मैंने जो पहचान बताई थी वो सही थी ना? इसे चाकू की नोक कहते हैं ना? ए! इसका इस्तेमाल मैं सिखाऊंगा तुम्हें। Thank you.
तुम इसका इस्तेमाल इंसानों को काटने के लिए करते हो। मैं पेड़ काटने के लिए, अंडे काटने के लिए करता हूँ, लकड़ी काटने के लिए, जानवर काटने के लिए, मुर्गी काटने के लिए, मुर्गा काटने के लिए, ताड़ी काटने के लिए, और आखिर में तेरे जैसे गुंडे हरामी कमीनों कुत्तों को काटने के लिए करता हूँ। मैं तब से चाकू पकड़ना जानता हूँ जब मैं ठीक से चल भी नहीं पाता था। तुझे सिर्फ चाकू पकड़ना आता है, मैं चाकू बनाना भी जानता हूँ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। अगर ऐसे ही मार दिया तो हत्या होगी, और इस तरह मारा तो वध असुरों का वध। जन से चाहे तुझे तेरा भैया, तू जो कहे वही करे तेरा भैया। तेरी खुशियों के लिए मारू मैं दोनों जहां, कभी आंसू ना आए तेरे नैना। अम्मा की तरह तुझे सीने से लगा लूं, बन के पापा तुझे गोद में उठा लूं। प्यारी है तू, प्यारी है तू, घर की लक्ष्मी है तू, तू है मेरी आंखों का सपना ओ बहना, तू है तो है रोशन अंगना। बेटा काम का तो ठीक ठाक चल रहा है ना? दीदी दीदी फोन आया है आपके भैया का, हमारे फोन पे। देखो भाई का फोन आया तो कितनी खुश हो रही है, पगली है। हेलो भैया। क्यों बहन, सब कुछ कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है आप खुद ही सुन लो। गांव के सभी लोग आए हैं, एक तुम ही हो जो काम का बहाना करके नहीं आए। बहुत काम है बहना, छुट्टी नहीं मिल रही है, नहीं तो तुम्हारे कहने पर नहीं आता क्या? जाओ भैया, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे विनी, 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 विनी। अरे उसे जरूरी काम है, इसीलिए तुझसे मिलने नहीं आ पा रहा है पगली। कहिए साले साहब। विनी को कोई तकलीफ तो नहीं जीजा? प्रॉब्लम आप उसी से पूछ लो। बस एक ही तकलीफ है भैया। वो क्या है? अब तुम्हारी शर्ट मुझे नहीं आती है। क्या? मेरे अकेले के लिए तो ठीक था, मगर अब तुम्हारे भांजे को भी पहनानी पड़ती है ना। आगे से बड़ी बड़ी शर्टें सिलवाऊंगा। ठीक है, नौकरी कैसी है भैया? थोड़ी तकलीफ तो है, लेकिन भगवान का काम है, सब ठीक ही होगा। ठीक है भैया, रखती हूँ। संभल के रहना। आतिश बादल का हत्यारा फिर से पुलिस की नजर में आ गया है, वो कैसा है ये देखने के लिए यहाँ की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। एटीवी से कैमरामैन रवि के साथ दयानंद। अमित कुमार कैसा दिखता बताओ? नहीं बताऊंगी। ए, पापा नहीं हूँ मैं, एक पुलिस वाला हूँ, वर्दी के आगे बेटी को भी नहीं देखूंगा। मैं अब आपकी बेटी नहीं रही, आपने दी हुई लाइफ कल ही खत्म होगी, ये मेरी नई लाइफ है, वो अमित की देन है। ए, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा आइडिया, जल्दी बताओ। आप तकलीफ मत लीजिए डैडी, मैं ही अपने आप को शूट करती हूँ। ए, ए, इसमें बुलेट है, सच में मर जाएगी। मैं इसके लिए अपनी खुद जान देने की तैयार हूँ। डैडी, अमित को पकड़ के आप एक अच्छे पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन एक अच्छे पिता नहीं बन सके। अब और क्या सोच रहे हो, ड्यूटी हमसे ज्यादा प्यारी है, उसे मारो और हमें भी मारो। मैंने जिंदगी में दो बड़ी गलती की, एक तुमसे शादी करके, एक इसको पैदा करके। हटो। सर, वो रोज लोगों को मार रहा है, वो आतिश बालू के गैंग को खत्म करता जा रहा है। सर प्लीज बताइए। सर क्या बताऊँ, मुझे खुद कुछ नहीं पता है, मुझे कोई जवाब नहीं मिला अंदर से। ए, गाड़ी निकाल। ओ कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। तुम खाओ ना। अच्छा एक और मंगाता हूँ। ये गया काम से, गया काम से।
एक्सक्यूज मी, मे आई हेल्प यू? तुम? या मी हेल्प? या उसके दिल में मेरे बारे में क्या है बता सकते हो? उसके बारे में मैं नहीं, मेरा उस्ताद बताएगा। वो कौन? वो कौन है ये पूछ रहे हो? जेपो जलानी चेक पोस्ट उस्मानी, मेरा उस्ताद बब्बर खान। उस्ताद लेके आता हूँ, आओ चलो चलो। ये मंत्र तंत्र वाले बाबा हैं, शायद मुझे इनसे ही कुछ मदद मिल सकती है, देखती हूँ। उस्ताद जेपो जलानी, अरे रे रे ये रे उस्ताद उस्ताद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दिन में तारे दिखा दूं, रात में सूरज दिखा दूं, अनहोनी को होनी कर दूं। हर्रम खुर्रम सर्रम सुर्रम झर्रम झुर्रम झुर्र। इरफान इरफान जुलेमान सुलेमान, मैं हूं जादू का जहांगीर खान। उस्ताद आदा बादा क्या रे, उस लड़की को छोड़ो तो मेरे पास आओ। समझ गया, आप समझ गए। इस चोरी को दिल में दबा के रखना है तो अपनी अकल पेंट में लगाने के बाद नहीं लूंगा। हाथ देखे बिना हम कुछ भी नहीं बता सकते, इसलिए हम तुम्हें पूरी मसाज करने के बाद बताएंगे। वाह उस्ताद, वाह क्या काम किया आपने। ए बिड़ो कुछ ज्यादा कर रहा है, कुछ कम कर। सुनो जो कहता हूँ वो करती जाओ, फिर देखना मैं क्या करता हूँ, समझ में आ जाएगा। ए, ये क्या करने वाला है? आपको नहीं मालूम है वो आपसे प्यार की दो बातें करने वाला है। क्या रे बेड़ो, क्या गोल गोल कर रहा है? कुछ नहीं उस्ताद, बस लड़की को समझा रहा था। धूम धड़ाका धाका धड़का पूरा खाजा खींचा खोचा धूम। जरा सुन सुन महबूबा, जंतर मंतर देख दिल रूबा। जरा सुन सुन महबूबा, जंतर मंतर देख दिल रूबा। दिल अपना देख मेरा जलवा, देख के तू जा तू मेरा देख न घबराना। आका माका शिका शिका मकेगा, मीका ना कशी कशा कलाता। आजा आजा मेरे संग जाए जा। सुन सुन महबूबा, जंतर मंतर देख दिल रूबा। जर्रा सुन सुन महबूबा, जंतर मंतर देख दिल रूबा। उड़ जाएंगे होश के तोते, वो कमाल दिखाऊंगा। एक अनोखी दुनिया की तुझे सैर में करवाऊंगा। दंग रह जाएगी तू जाना, लो नजारा पेश किया। ये बने मैं बन जाऊं मैं ये, देख जरा तू ये हुलिया हुलिया। जरा सुन सुन महबूबा, जंतर मंतर देख दिल रूबा। जर्रा सुन सुन महबूबा, जंतर मंतर देख दिल रूबा। स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट। अरे अरे छोड़, कीड़ा समझ रहे क्या? अरे हट, खड़े खड़े नंगा कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हलचल गुल्ला। गरम 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 गरम। मैं तेरा हो गया हूँ दीवाना, सुन ले ओ मेरी जाने जाना। अंग रक्षक मैं हूँ तुम्हारा, प्रेम का मैं हूँ मारा। ओ दीवानी बात है सच्ची, तेरी अदा है मस्तानी। तू क्या जाने क्या है तुझ में, ओ मेरी जाने जाने जा। जर्रा सुन सुन महबूबा, जंतर मंतर देख दिल रूबा। जर्रा सुन सुन महबूबा, जंतर मंतर देख दिल रूबा। अरे 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 अरे
आजा। इसमें तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये क्या है? कजरा रे। इसने कुछ खा क्या? कुछ नहीं। तुम्हें छेड़ा? भाई रे भाई, भाई रे भाई, बहुत परेशानी है भाई। क्या हुआ? कोई विकेट गिरने वाला है क्या? गिरने वाला नहीं, गिर गई है। अभी अपने ऊपर संकट आ गया है। ए, सही से नहीं बताओगे तो तुम जाओगे। अभी मैं क्या बताऊं भाई, उसने तो अंग्रेजी में लेटर भेजा है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कौन है वो? भाई को इंग्लिश नहीं आती पता है, फिर भी इंग्लिश में लेटर लिखता है, बताओ काट दूंगा। पढ़ रहे? क्या बात करो, मुझे अंग्रेजी कहां आती है। एक्सक्यूज मी सर, गुड मॉर्निंग सर, आई एम फ्रॉम मेगा स्टार बिस्किट कंपनी सर, दिस इज अवर लेटेस्ट प्रोडक्ट सर, मेगा स्टार स्पेशल मिक्स, इफ यू यूज दिस यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी, यू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, यू हैव लॉट ऑफ मसल्स सर, यू हैव टू यूज दिस वन। तुमको इंग्लिश अच्छी तरह आती है क्या? इंग्लिश डिक्शनरी घोट कर पी गया हूँ सर। ये कह रहा है भाई अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है। हाँ। मार खाएगा। इस लेटर को पढ़ो, हिंदी में समझाओ। पकड़। नहीं नहीं सर, आपके नाम का लेटर है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए, भाई को अंग्रेजी नहीं आती है। तुम पढ़ो। ठीक है, आपके लिए पढ़ता हूँ भाई। भाई इंग्लिश नहीं आती कहकर भाई को तकलीफ मत दो, वैसे भी इंग्लिश अपनी भाषा नहीं है। ठीक है ठीक है, तुम पढ़ो। नहीं पढ़ सकता भाई, क्योंकि ये बहुत पर्सनल है। एक शब्द भी उनको पढ़ने नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता होगा। कोई बात नहीं, तुम पढ़ो। नहीं भाई। अरे पढ़ना। भाई मेरी बात तो सुनो। ए, तुझे पढ़ने के लिए कहा ना। ए, सारे लोग कुत्ते। भाई भाई इसमें ऐसा लिखा हुआ है भाई, मैं क्यों मुसीबत में पढ़ूं? मैं चलता हूँ, आप ही पढ़ लीजिए। मुझे पढ़ने नहीं आता। आप खुद ही पढ़ लीजिए ना भाई। ठीक है ठीक है, तुम पढ़ो। ठीक है पढ़ता हूँ। मेरा नाम अमित है, अमित कुमार। तेरी मौत के बाद तेरे भाई का नंबर है। ठीक 24 घंटे में तेरे भाई को मार डालूंगा। बचाने की कोशिश मत करना, बचा नहीं पाओगे। बस चलाने के लिए लकड़ियां खरीद। मैं चलता हूँ भाई, आप लोग समझ जाइए, मैं चलता हूँ। सुनो एसीपी, सुनो, मैं मेरी आवाज नहीं पहचानी, मिनिस्टर लाल चुपड़ा बोल रहा हूँ। कहिए सर। यहाँ कुछ गुंडे मेरे घर के बाहर जमा होकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। सुना, तुम्हें साउंड सुनाई नहीं दे रहा क्या? फौरन तुम अपनी पुलिस यहाँ भेजो, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए भाई। ठीक है सर, सॉरी सर। ठीक है सर। गंगा भैया सुना ना, तुम्हारे छोटे भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहा हूँ, तुम बेफिक्र होके सो जाओ। कम ऑन, टेक पोजीशन, बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। मेरे परमिशन के बिना किसी को अंदर मत भेजना। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ ठीक है, देखा ना कितना लफड़ा हो गया, बस मैं किसी तरह से बच गया हूँ, एक कीड़ा भी अंदर आना नहीं चाहिए, समझ गए? संभल के। ओके सर। ओके। ए, अंदर कहाँ जा रहा है? छोड़ दो, मुझे अंदर जाना है। ए, रुक, मैं यहाँ काम करता हूँ। एक बार बोला ना। कौन है तुम? ये घर का नौकर है साहब। ये क्या है साहब जी? ये होटल से खाना है, माँ जी के लिए लाया हूँ। ठीक है जाओ, रुको। ये क्या है रे? ये साहब जी का पान पराग है सर। इसमें कुछ मिलावट है क्या? नहीं सर, पता नहीं लाने को कहा था सर।
चलो अंदर जाओ, मैं लेके आता हूँ। करके भी कुछ नहीं कर पाओगे, मुझे पता है वो कहाँ है। वो कहाँ है बताइए, मैं पूछता हूँ जो कहाँ है। शांत हो जाइए, वो एक सफेद पोश है, आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कोई भी हो, बताओ तुम्हें मैं उसका पता बताओ। मिनिस्टर सत्या के घर में, आप बताइए आप कुछ कर सकते हैं। चलो चलो चलेंगे सब लोग, चलो यहाँ से, चलो 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 चलेंगे। अरे अमित कुमार, तूने बड़े ही दिमाग से काम लिया है रे। ए, तुम लोग क्या देख रहे हो? रोको, इस भीड़ को रोको, जाओ जल्दी जल्दी करो। कौन हो तुम? अमित, अमित कुमार। Thank you.
हेलो यस सर, उंगलियों का निशान लो। ओके सर। ए आगे मत बढ़ो। ए चल हट। ए चल दूर हट, दूर हट। ए मैंने तेरे लिए कितने सपने देखे थे और तू मुझे छोड़ के चला गया। तुझे तो इस सिटी पे राज करना था। ये सब क्या हो गया मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मेरे कलेजे का टुकड़ा चला गया। मेरे भाई को मारने वाले को मैं अपने हाथों से जान से मार डालूंगा। अरे मुझे तो छोड़ दो, मैंने तुम्हारे भाई को थोड़ी मारा। तुम्हारे भाई मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कोशिश की थी। अरे मुझे छोड़ दो, मैं तेरी भी जान ले लूंगा और अपने छोड़ने के पास पहुंचा दूंगा। अरे छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। हेल्प हेल्प। ए छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो, ए छोड़ो, मैं कह रहा हूं। मुझे आपको छोड़ दो, इसको नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो। ए अरे तू याद रख ले, तुझे भी अपने भाई के पास भेज कर रहूंगा। ए ए इज्जत से बता दीजिए, वो एक मुजरिम है, यहीं पर उसने वारदातें की हैं। आप लोग उसको सपोर्ट करोगे तो आप तकलीफ में आ जाओगे। मैं जो कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? इसी जगह से उसने सबको लेटर भेजे हैं। समझ गया सर, आप लोगों का काम वो कर रहा है सर। आप झूठ मूठ की तनख्वाह खा रहे हैं सर। ए, किसे बात करो पता है? ये एसीपी साहब है। एसीपी है। इस कॉलोनी में 10 साल से गंदा धंधा चल रहा है। हर रोज पुलिस आती है, किस लिए पता है? ये धंधा बंद कराने के लिए नहीं, वहाँ से कमीशन लेने के लिए और घूस खाने के लिए। आप उस हत्यारे को ढूंढ रहे हैं ना? वो एक ही दिन आया था, उसके बाद आज तक वो दिखाई नहीं दिया यहाँ पर। आज उसी की वजह से हम यहाँ पर सेफ हैं। क्या है ये, क्या हो रहा है ये? स्पीक आउट। क्यों चुपचाप बैठे हैं आप लोग? कौन है अमित कुमार? क्यों ये सब लोगों को मार रहा है? उसे पकड़ने का कोई रास्ता नहीं है क्या? है सर। गुड, क्या है बताइए। ये नींबू, हमारे डिपार्टमेंट को हर नींबू बेचने वाले पर नजर रखनी चाहिए। व्हाट? वो अमित कुमार नेक्स्ट मारने वाले के लिए नींबू जरूर खरीदेगा, तब हम उसे पकड़ लेंगे। शट अप। सॉरी सर। सर, मेरी बेटी ने अमित कुमार को देखा है। वो मर तो सकती है मगर उसके बारे में बता नहीं सकती। जब घर वाले ही हमें सपोर्ट नहीं करते तो बाहर के लोग हमें क्या सपोर्ट करेंगे सर? ये सही है सर, जब से उस अमित राज का केस लिया है मेरा पेट पूरा गल गया है सर। हार्ड वर्क कर रहे हो क्या? नहीं सर, उस अमित कुमार के ऊपर मेहरबान होकर मेरी बीवी मुझे खाना नहीं देती है सर। यू सिट डाउन। सॉरी सर। हमारे डिपार्टमेंट का एक ही मकसद है, अमित कुमार को मारना। उसके बाद किसी भी एरिया में कोई क्राइम नहीं होगा। डिपार्टमेंट में जितने भी रिश्वत लेने वाले हैं उन्हें पकड़ ले तो गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। वो काम भी हम लोग ठीक से नहीं कर पाए सर, इसलिए लोगों काम पे से एतबार उठ गया। सर, जनता को हमारे ऊपर पूरा भरोसा नहीं होगा सर, लेकिन एक बात पर पूरा भरोसा है सर। क्या है वो? जनता के बीच हिंसा करने वाले को हम भले ना पकड़े, लेकिन जनता की भलाई करने वाले को हम जरूर पकड़ लेते हैं सर। इफ यू टॉक अगेन यू विल बी गेट आउट। थैंक यू सर। हां सर, उसने जो भी कहा 100% करेक्ट है। व्हाट डू यू मीन? मुश्ताक, आतिश बालू, पानपाक पांडू, इन लोगों को पकड़ने के लिए हमने नहीं सोचा, लेकिन लोगों का भला करने वाले अमित कुमार को अरेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। तो क्या उसे पकड़ना नहीं चाहिए, यही कह रहे हो ना? नो सर, लोगों के उस मसीहा को हम लोग सैल्यूट करेंगे। पुलिस की ड्यूटी करनी है इसलिए उसे अरेस्ट तो करना ही होगा। Well, हम कभी भी रूल्स के हिसाब से ही बात करते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग करेंगे। तालाब में मछली पकड़ने के लिए बहुत रास्ते हैं, जाल बिछा के या जाल डाल के भी पकड़ सकते हैं, तालाब सुखा करके भी पकड़ सकते हैं। हम उस अमित कुमार को पकड़ने के लिए तालाब सूखने का इंतजार। क्यों विनी, अमित कुमार के फोन का इंतजार कर रही हो? हाँ चाचा। फोन आए तो मैंने याद किया, बोलो। ठीक है चाचा। हेलो भैया। विनी कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कब आ रहे हो? आऊंगा, जल्दी आऊंगा। अगर डिलीवरी के समय में नहीं आए तो तुम्हारा भांजा तुमसे कभी बात नहीं करेगा। ठीक है, जरा मेरे भांजे को फोन देना। क्या कहा? भांजे को? मेरे भांजे को। कैसे? दोनों उसको, उसी से बात करूंगा। कैसे हो भांजे? क्या चल रहा है? क्या तुम माँ के पेट में आराम से बैठे होगे? बाहर आने के बाद भी तुम उतने ही आराम से रहो, यही मेरी तमन्ना है। इसलिए अपनी माँ से कहो मैं जल्द ही आ जाऊंगा। तुम्हारे आने तक मैं सिटी के कचरे को साफ करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यही तेरे सगे मामा की तरफ से प्यार भरा तोहफा है।
ठीक है चलो माँ को फोन दो। अच्छा भैया बात हो गई? क्या बात की मुझे भी बताओ ना। वो सब राज की बात है बहन, मेरे और भांजे के बीच का राज। हाँ राज की बात, अपनी बहन को नहीं बताओगे क्या? फोन जीजा को देना। हाँ देती हूँ। हेलो साले साहब। जीजा विनी को हॉस्पिटल ले गए थे? हाँ लेके गया था। डॉक्टर ने क्या बताया? डिलीवरी डेट 1 जनवरी। जनवरी 1 तारीख। श्रद्धांजलि, जन्म 19/10/1950, मरने का दिन 31/12/2006। भाई वो तो आज ही है। फोन बजा, पीछे बज रहा। जब मैं बात करता रहता हूँ तो साउंड नहीं आना चाहिए, समझी? चल। सुनिए जी, सुनिए। ये सब लोग बाहर खड़े थे, तू ही अकेली अंदर थी। बता कौन आया? मेरे ही घर में आके इतना बड़ा हंगामा करके, इतना बड़ा बवाल करके, मेरे ही फोटो पर हार चढ़ा के यहाँ से चला गया। बता कौन है वो? मुझे तो लगता है तुझमें हिम्मत ही नहीं है। फोटो पर ये हार किसने चढ़ाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक ही बात जानती हूँ, तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे आदमियों को चकमा देकर ये सब करने वाला सिर्फ एक ही आदमी है, अमित कुमार। तुम्हारा भाई मारा गया फिर भी अकल नहीं आई तुम्हें? वो एक दिन तुम सबको खत्म कर देगा। मैं अभी तुमसे कह रही हूँ, वो मार देगा। ऐसी वैसी धमकी देकर नहीं गया है वो। अगर दम है तुम्हें तो उसे मारो, वरना ये तुम्हारी आखिरी रात होगी। वो कल फिर आएगा और तुम्हें यही दफना कर चला जाएगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हेलो, हेलो। हाँ हाँ, मलाक पेट के मलाक अर्जुन भी चले गए। हेलो हाँ भाई, नल बाजार के बड़े भाई को भी यही धमकी मिली है। भाई सभी लोग मर जा रहे हैं। वो ऊपर बैठा है। हे ढूंढो रे। बुलाओ, इस स्थिति में सभी अपने को बुलाओ। कहाँ जाके ढूंढेंगे उसे हम लोग? कभी अंदर जाता है, कभी बाहर आता है, कभी मर जाता है, कभी कहाँ जाता है? ए, जो बच्चे हैं उन्हीं को बुलाओ। जाओ। क्या आप उसको मारने के लिए बोल रहे हो? चलो।
सब लोग ठीक हो ना? भाई, उस अमित कुमार का पता चला तो देख लेना। पता होता तो क्या करते? उसका पैर पकड़ के माफी मांगूंगा। सिटी के सभी गुंडे गंगा के घर में मौजूद हैं। ऐसे समय में गंगा को मारना? एक गंगा को मारने के लिए बाकी सबको बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, कल लक्ष्मी की डिलीवरी है। इस समय ऐसी खबर सुनाओ मुझे डर लग रहा है। मैंने भांजे से वादा किया है, उसके जमीन पर आते ही इस शहर में गुंडे और भाई कहलाने वाले नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है। तुम गंगा से मत डरो, उसे हैदराबाद से उठा दूंगा। गंगा का अंत करके रहूंगा। मौत या जिंदगी, अब चाहे मुझे जो भी मिले। क्या भाई, टाइम तो हो गया लेकिन वो तो आया नहीं। आता तो काट देता उसको। टेंशन मत लो भाई, हम 2000 लोग हैं। अगर वो आया तो 2000 टुकड़े हो जाएंगे उसके। हाँ, वो अकेला 2000 लोगों को काट देगा। भाई काटेगा तो नहीं, लेकिन काट दिया तो भाई आप 100 साल जिएंगे। भाई नहीं चाहिए इतनी जिंदगी। अगर एक रात जिंदा रहा तो 20 साल से मेरे पैरों के पास पड़ी मेरी पत्नी जो बोली थी अगर आज की रात जीकर दिखाओगे तो मैं तुम्हें मर्द समझूंगी। भाई अगर आपकी बीवी अमित कुमार के साथ भाग गई होती तो अच्छा होता। लाइट कितने गुल कर दी रहा है? अरे ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आ गए हैं। हाँ हाँ बैठो बैठो बैठो। भाई लाइट चली गई ना, वो आके काट देगा। क्या कहा? भाई मजाक कर रहा था भाई, मजाक। भर के लोगों को बुलाओ बुलाओ। मेरा गुंडों और भाई लोगों से कांटेक्ट है, ये कह के मेरे को मंत्री पद से हटा रहे हैं ना। कल वो सीएम मंत्रिमंडल की मीटिंग पे जा रहा है ना। हम क्या है, चीफ मिनिस्टर को पता चल जाएगा बेटा। हेलो, मैं लाल सत्या बात कर रहा हूँ, आपन बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है, कौन बोल रहे हैं आप बताइए? गंगा, पुराना पुल गंगा, वहां कर बताऊंगा। मुझे और मेरे भाई को मरवाने वाले कल होने वाली बहिरंग सभा में तेरी पार्टी के लोग, तेरी पार्टी और तमाम पुलिस वाले और जनता सभी होंगे। लेकिन तेरी मौत पक्की है, तेरे आदमियों के सामने तुझे भगा भगा कर मारूंगा। सिटी के सारे गुंडे मेरे आदमी हैं, दम है तो आ जाना। देखो गंगा मेरी बात सुनो। अरे फोन रख दिया, तुम्हारी मदद करके तो मैं फंस गया यार, अब मुझे ही मारने की धमकी दे रहा है, ये बोल रहा है। सर ये फाइल मैं आपके। हेलो कमिश्नर हियर। उस दिन मुझे कहा था ना पुलिस वालों के सामने मार डालूंगा, वही धमकी देने वाला गुंडा गंगा आज मुझे मारने के लिए 2000 गुंडे बुलाकर बैठा है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर मुझे किसी गुंडे ने मारा तो मेरी बात याद रखना, मैं पूरे स्टेट को हिला कर रख दूंगा, याद रखना मेरी बात। उसके आगे तुम्हारी मर्जी है, जो करना कर लो, समझ में आ गई? हेलो क्या हुआ? हमारे यहाँ पुलिस की बारी है भाई। ए, भाई की सुरक्षा के लिए आइए। सर आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, गंगा के घर में गुंडों का डेरा है। तो फिर क्या सोच रहे हो, गिरफ्तार कर लो। यस सर। सबको अरेस्ट कर लो। किस लिए? मिनिस्टर को धमकी देने के जुर्म में। हाँ कहा था,
मारूंगा कहां था, काटूंगा क्या करोगे? अरेस्ट हिम। हम गुंडों का पावर कितना बता दो इन पुलिस वालों को। देख लेंगे। सौदे की बात यहाँ करोगे या ऊपर चलकर करोगे? ऊपर 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 चल। मेरा नाम अमित है, अमित कुमार। तुम पुलिस की मार खा रहे हो, गुंडों की मार खा रहे हो, गरीब फुलियों की भी मार खा रहे हो। Thank you.
सर ये पुलिस वाला नहीं है सर, ये चोर बाजार का बड़ा भाई है सर। वो अमित कुमार यहीं कहीं है, ढूंढो उसे। यस सर। तुम मारोगे तभी खून निकलेगा, और हम मारेंगे तो निकलता है या नहीं, निकलता है या नहीं। निकलता है या नहीं। तुम हाथ तोड़ोगे तभी टूटेगा, हम तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा। पता टूटेगा या नहीं, टूटेगा या नहीं, टूटेगा या नहीं। उस तरफ ढूंढो। ओके सर। तुम मारोगे तभी चाकू अंदर जाएगा, हमारे मारने से नहीं जाएगा। पता चाकू अंदर जाएगा या नहीं, पता जाएगा या नहीं। आ गया, इस कॉलोनी में सबको बचाने वाला आ गया। पहली बार बच्चे के साथ आई हो, शगुन के पैसे दो, दो ना। नहीं देंगे ना, अंगूठी है ना, दो। कितने तोले की होगी? तोले की नहीं, 50 किलो की है। ए, ए, ए,